अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में हम लोग मौजूद हैं कराची के इलाके खारादर में। और खारादर में पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, हम आए हैं खाने अल रहमान की मशहूर बिरयानी, जो कि ऑलमोस्ट पूरे कराची में छाई हुई है। हर जगह इसकी आय मानी जाती है, देखी जाती है। सो आज आए हैं यहाँ पर हम लोग और देखते हैं, ट्राई करते हैं बिरयानी के क्या वाकई इसकी हाइप जो है वो वर्थ इट है, या आज देखते हैं कि ये बिरयानी वाकई इतनी मज़े की है या नहीं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो रहमान की बिरयानी खा रहा था, हम पहुँच चुके हैं। आपने यहाँ के शॉट वगैरह देख लिए होंगे, सारे पैसे यहाँ के शॉट के जो ऊपर बोटियाँ आलू वगैरह जो उछाल के जो दिखा रहे होते हैं, सारे पैसे यहाँ पे उन शॉट्स के। तो उम्मीद करता हूँ आपको शॉट्स पसंद आए होंगे, शॉट आपने देख लिए। और मुझे ये, हालांकि हमारे इर्तज़ा भाई हमारे पीछे बैठे हुए हैं, मगर मुझे ये यूज़ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ शोर बहुत है। आप देख सकते हैं, अभी बिरयानी मंगवाते हैं और आपको दिखाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि बिरयानी किस तरह की टेस्ट करती है। रेट में आके बताता चलूँ आपको, मैं स्क्रीन पर पिक लगा दूंगा रेट की, ऐसी बताता चलूँ कि रेट जो है सिंगल प्लेट चिकन की 200 रुपये की है और डबल प्लेट जो है वो 280 रुपये की है। सिर्फ यहाँ चिकन की बिरयानी होती है, ना यहाँ गोश्त की बिरयानी होती है, ना कोई पुलाव वगैरह से होती है, सिर्फ यहाँ चिकन की बिरयानी। और इसी चिकन की बिरयानी ना पूरे कराची में जो है अपने टेस्ट का चर्चा रचा रखा है। सो अभी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी लगती है। तो आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी आ गई है और इतना भाई एज वेल हमारे साथ हैं। बिरयानी हो उसके साथ पेप्सी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो हमने पेप्सी भी मंगवा ली है। तो अभी खाते हैं और आपको उसका रिव्यू देते हैं। ओके गाइस, सो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो हमारा मेन आने का मकसद यहाँ पर था, जो रहमान बिरयानी की इतनी हाइप है। सो इज़ इट रियली वर्थ द हाइप? सो येस इट इज़ रियली वर्थ द हाइप, जो इतनी इसकी हाइप बनी हुई है। आई विल रेट दिस बिरयानी 8 out of 10। ना इतनी बुरी थी, ना इतनी अच्छी थी, मसाला भी अच्छा था और चिकन भी जो है बिल्कुल बहुत अच्छी गली हुई थी, टेंडर हुई हुई थी। आलू वगैरह मसाला जो अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि कुछ गल गया, कुछ कच्चा रह गया, वैसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, बहुत अच्छी बिरयानी बनी हुई थी। दूसरी चीज़ जो जिस बात से मैं बहुत खुश हुआ और मैं बोलूँगा कि अब आप लोग को यहाँ पे डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए, वो था यहाँ का स्टाफ। जब हमने उनसे पूछा कि हम यहाँ वीडियो बना सकते हैं, यहाँ पे हम आके
आगे शॉट ले सकते हैं। इन सब ने जितना भी यहाँ का स्टाफ है हमारे साथ इतना तावन किया, इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमारे लिए उनने स्पेशल प्लेट तैयार करवाई जो कि आप थंबनेल पे देखेंगे, तकरीबन जो उनसे कोऑपरेट हो सका उनने किया। सो हैट्स ऑफ टू अल रहमान बिरयानी टीम। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इंस्टाग्राम आ रहा होगा उस वहाँ पर फॉलो कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे ऐसे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।